विभाग से हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत सरसों का बीज धुरकी प्रखंड में 8 क्विंटल प्राप्त हुआ है। सदस्यों के साथ में तो अगर आठों पंचायत तैयार होते हैं सर, तो मेरे पास 8 क्विंटल बीज है, एक ही तो वो 50 किसान आपका एक ही। सरसों का बीज वितरित करने के लिए बीडीओ ने कृषि विभाग के कर्मियों के साथ बैठक की। धुरकी प्रखंड कार्यालय में अंचल अधिकारी सह बीडीओ जुल्फिकार अंसारी ने सरसों का उन्नत बीज किसानों के बीच 100% अनुदान पर वितरित करने के लिए शुक्रवार को कृषि विभाग के कर्मियों के साथ बैठक किया। बैठक में बीएओ अंबुज कुमार, बीटीएम धनंजय कुमार सिंह से बीडीओ ने सरसों बीज का आवंटन से संबंधित जानकारी लिया। बीटीएम ने बताया कि 8 क्विंटल उन्नत किस्म का सरसों बीज धुरकी प्रखंड को कृषि विभाग से प्राप्त हुआ है। वहीं उक्त बीज को बीडीओ ने प्रत्येक पंचायत के अंतर्गत कृषि विभाग के निर्देशानुसार क्लस्टर बनाकर वितरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। बीटीएम ने बीडीओ को बताया कि सरसों का बीज पंचायत के एक ही गांव का चयन कर प्रगतिशील किसानों की सूची बनाकर वितरण करने के लिए कहा है। बीटीएम ने कहा कि कृषि विभाग ने धुरकी प्रखंड को 8 क्विंटल उन्नत किस्म का सरसों का बीज उपलब्ध कराया है। इस बीज को प्रत्येक पंचायत के एक एक गांव को क्लस्टर बनाकर प्रगतिशील किसानों के बीच वितरित किए जाएंगे। इस बैठक में जिप सदस्य सुनीता कुमारी प्रमुख, शांति देवी उप प्रमुख, धर्मेंद्र यादव बीएओ, अंबुज कुमार मुखिया, महबूब अंसारी, सगुनी राम, बीडीसी कृष्ण कुमार सिंह, कुर्बान अंसारी व हरिलाल सिंह, साबिर अंसारी, किसान मित्र आनंद गिरी, ग्यासुद्दीन अंसारी, उपेंद्र यादव, राम भरोसा राम उपस्थित थे। इसी विभाग से हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत सरसों का बीज धुरकी प्रखंड में 8 क्विंटल प्राप्त हुआ है, जिसको क्लस्टर चयन करके और किसानों को देना है। उसी क्लस्टर चयन से संबंधित सारे प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, जिसमें सभी लोग प्रमुख, जिला परिषद और बीडीओ साहब थे, बीएओ थे, साथ में हमारे प्रखंड से जितने भी बीडीसी और मुखिया, ये सारे लोग उपस्थित थे। इसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय बना कि हर पंचायत के एक गांव में क्लस्टर बनाया जाएगा 50 किसानों के लिए। उस 50 किसानों का सूची बनाने का निर्देश दिया गया है और जल्द से जल्द इन सारे किसानों का बीज वितरण किया जाएगा।